तो कविताओं का संग्रह सिर्फ कोई लेखनी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कविता जब लिखी जाती है तो उसमें कवि के मन का भाव होता है। इस समाज में जो भी चीजें चल रही होती हैं, यहाँ का ताना बाना, यहाँ के परिवर्तन, यहाँ की परिस्थिति, देश काल, अलग अलग तरीके के हिस्से, हमारी संस्कृति, हमारी रवायत, हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से एक कवि अपने दर्शकों तक, अपने श्रोताओं तक पहुँचाता है। अब सीधे हम रुख करेंगे सुधाकर पाठक जी का, जिनके बारे में हमने पहले भी कहा कि आप हिंदी भाषा को लेकर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। तो आज सुनते हैं कि आखिर 15 अगस्त जो इस हिंदुस्तान की तवारीख में एक वाकई में ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि इस दिन हम आज़ाद हुए, तो आज सुधाकर पाठक जी आज़ादी के इस दिन क्या कुछ सुनाने जा रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को 71वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन इतने वर्षों बाद भी कुछ प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं, उनको मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि आज़ादी की वर्षगांठ हम धूम से सारे मना रहे, आज़ादी की वर्षगांठ हम धूमधाम से मना रहे, क्या बात है, वाह वाह, लेकिन चोर उचक्के सारे खुल्लम खुल्ला घूम रहे, आज तिरंगा शर्मिंदा है सरहद पर बलियानों से, भारत माता सिसक रही है जय चंदों के वारों से, आजादी तो सिर्फ मिली है नारों और किताबों में, कल से डूबा धरती पुत्र मर रहा खेत खलियानों में, 70 वर्षों बाद भी हिंदी बेनामी क्यों भारत में, भाषा पर क्यों युद्ध छिड़ा है जन्नी के ही लालों में। और आशीष जी, जब जन्नी के लालों में भाषा के नाम पर युद्ध होता है और 70-71 वर्षों बाद भी जब देश को अपनी भाषा नहीं मिलती है, तो कहा जाता है कि देश की कोई भाषा नहीं होती है और अपने राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा होता है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ आपको निवेदित करना चाहता हूँ कि जब भाषा के नाम पर जो लड़ाई होती है, उसके लिए कुछ पंक्तियाँ हैं कि राष्ट्र आज है पूछता मेरी भाषा कौन, बहरी सत्ता हो गई और सियासत मौन। और जब बेंगलोर में हिंदी के बोर्डों को पोत दिया जाता है कालिक से, तो मन दुखी होता है, तो कहता है अपनाया सबको सदा किया ना कोई भेद, पर कुछ सूबों ने किया इसके दिल में छेद। और वो फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे कलाकार लाखों करोड़ों रुपए हिंदी के नाम पर इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब बारी बोलने की आती है, हिंदी की बोलने की आती है, तो वो इंटरव्यू अंग्रेजी में देते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ मैं देता हूँ कि कलाकार पाते यहाँ हिंदी से पहचान, पर करते वे ही नहीं इसका कुछ सम्मान। और भाषा के नाम पर अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बोलियों के नाम पर, उपभाषा के नाम पर, अनुसूची के नाम पर, 8वीं अनुसूची के नाम पर। तब मैं कहता हूँ कि बनी मैथिली ब्रज उर्दू अवधि इसकी खान, हिंदी ने किया प्रेम सहित सम्मान, हिंदी ने किया प्रेम सहित सम्मान। तो मैं आज इस उम्मीद के साथ कि जब आगामी जब हम आज़ादी के वर्षगांठ बनाएंगे, तो ये जो विचलित करने वाले प्रश्न हैं, इनका कोई ना कोई हल हमारे पास होगा, तब हम सही अर्थों में आज़ादी की वर्षगांठ को मना पाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सुधाकर पाठक जी की इस बेजोड़ कविता के बाद अब हमारे साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में अंतिम कवि राधाकांत पांडे जी मौजूद हैं, उनका भी रुख करते हैं। राधाकांत, जब आपकी आवाज़ सुनते हैं तो वाकई में, जब आप अलग अलग शैली में चूंकि लिखते हैं, कई सारे आप हास्य भी लिखते हैं, आप विशेष रूप से व्यंग भी लिखते हैं, रौद्र भी रस नजर आता है आपकी लेखनी में, लेकिन जब ये आपकी आवाज जब इसके साथ जुड़ती है, चूंकि बड़ी बुलंद आवाज आपकी है, तो इसका एक असर अलग होता है। उम्मीद करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम का जो अंत आपकी कविता के जरिए हो रहा है, लोगों तक एक असर छोड़ जाए। स्वागत है आपका। धन्यवाद आशीष भाई। और मैं सबसे पहले चार पंक्तियां उनके नाम करना चाहता हूं जिनके कारण हम स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं। कि चुकाऊ कर्ज माटी का यही अरमान जिंदा है, चुकाऊ कर्ज माटी का यही अरमान जिंदा है, वतन के वास्ते हमको मिला वरदान जिंदा है, और ये खाकी वर्दियां ही देश का सम्मान है यारों,
ये पहनावा सलामत है तो हिंदुस्तान जिंदा है। और जब इस पर कहीं आरोप लगते हैं, कहीं सवाल उठाए जाते हैं, चार पंक्तियां मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि परिवार दांव पे लगाया खुद देश हेतु ऐसा भाव भरने की। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ध्यान चाहूंगा आशीष भाई कि परिवार दांव पे लगाया खुद देश हेतु ऐसा भाव भरने की सोच के भी देखना, गोलियों के आगे सीना तान के खड़े हो ऐसे हद से गुजरने की सोच के भी देखना। तो आज तक आप जो संभाले रहे कभी उस कि आज तक आप जो संभाले रहे कभी उस घर के बिखरने की सोच के भी देखना, और उहे कांप जाएंगी तुम्हारी बस एक बार बलिदान करने की सोच के भी देखना। और तब चार पंक्तियों में ये जो आरोप लगाते हैं या सवाल उठाते हैं, एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि शत्रुओं से नेह दिखलाते शर्म आती नहीं, गाना भी हो गीत तो राष्ट्र वंदना के गाइए, कि शत्रुओं से नेह दिखलाते शर्म आती नहीं, गाना भी हो गीत राष्ट्र वंदना के गाइए, और यदि जागरण चाहते हो देश में तो सुप्त जो पड़ी हुई है चेतना जगाइए। तो सोच से नकारा कहीं पीढ़ियां न हो चली हो, कि सोच से नकारा कहीं पीढ़ियां न हो चली हो, सोच से नकारा कहीं पीढ़ियां न हो चली हो। और तब चार पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं, एक सवाल और एक आग्रह भी करना चाहता हूं आपके आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से, देश भर के सभी दर्शकों से, कि दरअसल वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार कतई ना दे कि वो कल को किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाएं। तब चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई त्रुटि भी करे तो होके क्रुद्ध मत बोलना, कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई त्रुटि भी करे तो होके क्रुद्ध मत बोलना, शत्रुओं के लिए सिर्फ तेवर सुभाष वाला वह कभी बन के प्रबुद्ध मत बोलना। तो यदि कभी साथ सत्यता का देश को न पर कि यदि कभी साथ सत्यता का देश को न किंतु शुद्ध भावना रहे अशुद्ध मत बोलना, सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की किंतु सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की किंतु याद रहे देश के विरुद्ध मत बोलना। और आप सब देख रहे हैं इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं भारत और चाइना के बीच, चार पंक्तियां वहां से निवेदित करना चाहता हूँ, एक आह्वान करना चाहता हूँ देशवासियों से कि भारती के बेटे चाहते नहीं है युद्ध किंतु शत्रु यदि चाहे ललकार भी जरूरी है, सैनिकों का मान स्वाभिमान भी जरूरी है और देश की सुरक्षा का विचार भी जरूरी है। तो सबको पता है पाक चाइना का प्रेम यीशु भाईचारे पे कड़ा प्रहार भी जरूरी है, और आज वक्त आ गया है चाइनीज माल छोड़ देश में स्वदेशी का प्रचार भी जरूरी है। और तब कई अंतिम चार पंक्तियां आपके बीच निवेदित करना चाहता हूं, माता भारती क्या कह रही हैं हमसे, आज परिस्थितियां क्या हैं, देश के लिए जो आपकी रगों में दौड़ता हो उस खून में जरा उबाल लेके आइए, कि देश के लिए जो आपकी रगों में दौड़ता हो उस खून में जरा उबाल लेके आइए, पीढ़ियों में राष्ट्र स्वाभिमान को जगाने हेतु फिर नई क्रांति की मशाल लेके आइए। तो देश की सुरक्षा में लगा हुआ जो प्रश्न चिन्ह उत्तर अचूक बेमिसाल लेके आइए, ओ भारती की चाह आज नेताजी सुभाष आप काल का स्वरूप विकराल लेके आइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो कविताओं से जुड़े इस कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन चलते चलते अपने सभी कवि बंधुओं का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ आज इस कवि सम्मेलन का हिस्सा बने, उन्होंने अपना वक्त निकाला कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को, इंडिया वॉच के और तमाम लोग जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए, उन तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के मायने को समझिए, आजाद होने का मतलब यह नहीं कि हम गलती करें, कानून तोड़ें, और कानून तोड़ें इसलिए हम अपनी आजादी महसूस कर सके, ऐसा नहीं है। आजाद होने का मतलब यह होता है कि इस देश के लिए आप वो काम करें आजादी के साथ जिससे आपकी भी तरक्की हो और इस देश की भी तरक्की हो। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आप सभी से लेते हैं विदा। नमस्कार।